देखिए, सुशील मोदी जी जो हैं नीतीश जी के बिना फीस के वकील हैं। यहीं जब जलजमाव हुआ करता था, लालू जी के वक्त में हुआ करता था, उस वक्त में जो है छोटे से जलजमाव पे सुशील मोदी जो है सड़क पे उतरते थे। और जब पटना में जलजमाव हुआ तो चार दिन तक बंद कमरे में मूवी देख रहे थे। केंद्र सरकार सारा कुछ बनाने के लिए तैयार, एक पैसा भी बिहार सरकार को नहीं लगना है। बच्चे कहाँ के पढ़ेंगे? बिहार के पढ़ेंगे। और नीतीश जी कहते हैं कि मैं NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। इससे क्या दिखाता है कि नीतीश जी शिक्षा विरोधी हैं, कि जो अभी वर्तमान में विद्यालय हैं वो विद्यालय तो सही से चल नहीं पा रहा है। कहीं स्कूल है तो बच्चे नहीं हैं, कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल है तो वहाँ कुत्ते और बिल्ली जैसे घूम रहे हैं। आज ग्रुप डी की बहाली के लिए वैकेंसी निकलती है बिहार में, आपको भी पता है, और उसमें लाखों बच्चे ग्रुप डी की बहाली की जो प्रक्रिया होती है उसमें चपरासी और माली की बहाली के लिए होती है, और उसमें MBA किए हुए बच्चे, MCA किए हुए बच्चे, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे जो है सो वहाँ आवेदन करने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन फिर से एकजुट नजर आ रही है। पिछले दिनों रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में शिक्षा को लेकर के अनशन पे बैठे हुए थे। इसके बाद से अनशन खत्म होते होते पूरे महागठबंधन के घटक दल एक साथ नज़र आने लगे। उसके बाद से सत्ताधारी BJP और JDU में खलबली मच गई है। हमारे साथ इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद हैं। सर, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जब कुशवाहा जी केंद्र में थे, जब वो मंत्रिमंडल में थे, तो शिक्षा को लेकर के इस तरह की अनशन पे वो कभी बैठे नहीं। देखिए, सुशील मोदी जी जो हैं नीतीश जी के बिना फीस के वकील हैं, और यहीं सुशील मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, लगभग 12 साल तक जो है सो वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है रहे हैं जी, उनकी क्या उपलब्धियां हैं? आज बिहार में जितनी समस्याएं हैं उसके लिए अगर दोषी सिर्फ जो है नीतीश जी नहीं है, नीतीश जी के साथ साथ जो है आपके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी भी हैं। जब पटना में जल जमाव हुआ था, यहीं जब जल जमाव हुआ करता था, लालू जी के वक्त में हुआ करता था, उस वक्त में जो है छोटे से जल जमाव पे सुशील मोदी जो है सड़क पे उतरते थे। और जब पटना में जल जमाव हुआ तो चार दिन तक बंद कमरे में मूवी देख रहे थे। क्यों नहीं उस समय जनता की उनको याद आई? तो बिहार को अगर आज इस स्थिति में पहुंचाने वाला अगर कोई दोषी है तो यहीं दो दोषी है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील मोदी जी, जो हमेशा से जैसे पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनने का जैसे काम किए हैं। और जहाँ तक वो क्वेश्चन लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या किया, अरे माननीय सुशील मोदी जी, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, थोड़ी सी गरिमा बरतिए। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर झूठ बोलने लगे तो जनता का विश्वास उठ जाता है उस व्यक्ति पे। माधव जी, कहीं ये शिक्षा को लेकर के अनशन थी या फिर महागठबंधन को एकजुट करने की कोई रणनीति? देखिए, ये कोई जो शिक्षा के मुद्दे पे जो हम लोगों ने आमरण अनशन करने का काम किया, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, सामाजिक आंदोलन है। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आवे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, वो बिहार के बच्चों का भविष्य बने, हर व्यक्ति चाहता होगा। केंद्रीय विद्यालय दो, नवादा और औरंगाबाद, नवादा औरंगाबाद के देवकुंड और नवादा में दो केंद्रीय विद्यालय का प्रपोजल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने प्रपोजल भिजवाने के काम किया था, और वहां से केंद्र सरकार से कैबिनेट अप्रूवल भी लेने का काम किया था। अब आपको समझना होगा इस चीज़ को, औरंगाबाद की जो जमीन है वो जमीन जो है प्राइवेट व्यक्ति ने, एक महंत जी ने 10 एकड़ जमीन जो है बिहार यानी केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए दान देने का काम किया, और महामहिम राज्यपाल जो बिहार के राज्यपाल उस समय थे उनको लिखने का भी काम कर दिया। यानी लैंड जो है प्राइवेट व्यक्ति का, केंद्र सरकार सारा कुछ बनाने के लिए तैयार, एक पैसा भी बिहार सरकार को नहीं लगना है। बच्चे कहाँ के पढ़ेंगे? बिहार के पढ़ेंगे। और नीतीश जी कहते हैं कि मैं NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। इससे क्या दिखाता है कि नीतीश जी शिक्षा विरोधी हैं, नहीं चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य जो है उज्ज्वल हो। एक तरफ कहते हैं जब हम लोग अनशन पे बैठे थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी हालत में केंद्रीय विद्यालय के लिए मैं लैंड नहीं दूंगा, भाई आप, मैं अपनी विद्यालय खोलूंगा। किसने मना किया आपको अपनी विद्यालय खोलने से? अरे आपके जो अभी वर्तमान में विद्यालय हैं वो विद्यालय तो सही से चल नहीं पा रहा है।
कहीं स्कूल है तो बच्चे नहीं है, कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल है तो वहाँ कुत्ते और बिल्ली जैसे घूम रहे हैं। इस तरह की स्थिति आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कर दिया। आपने आए दिन शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन के लिए मुझे लगता है 12 महीने साल में होते हैं, 3 महीने तो सड़क पे रहते हैं, और यहाँ केंद्र की सरकार सारा पैसा लगाने के लिए तैयार है, बिहार सरकार को एक पैसा भी नहीं देना है, जमीन भी प्राइवेट व्यक्ति ने दिया है, उसके बाद भी अड़ंगा लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब तो नौबत ये आ गई है जब हम लोग आमरण अनशन में थे, जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहाँ के तमाम जनता कहती है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए अगर नीतीश जी जमीन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, नहीं दें, हम लोग अपनी निजी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय हर जिला में खुलना चाहिए। ये जो अनशन थी उसके बाद से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तबीयत तो खराब हो गया, लेकिन महागठबंधन की राजनीति की तबीयत सही होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सुस्त पड़ी हुई थी महागठबंधन। तो अगला सवाल ये है कि तेजस्वी यादव भी अब शिक्षा को लेकर के काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया हाल ही में कि बिहार में जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट होता है, 4 साल 5 साल का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट जो 2 साल ऐड होता है वो 7 साल में होता है कंप्लीट, तो भी काफ़ी तीव्र नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का मामला ऐसा मामला है जिसमें मैं कहता हूँ ना कि राजनीतिक मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो उसमें सबको लाभ मिलेगा। मैं तो कहा आमरण अनशन के दौरान कहा कि भाई कि बीजेपी वाले और जेडीयू वाले भी जैसे दुश्मन नहीं है, जो लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, बच्चों का भविष्य बने, उन लोगों का भी हम लोग आमरण अनशन में स्वागत करेंगे। और आपने देखा होगा बीजेपी के संजय पासवान से लेके CPI, CPM, माले, RJD, माझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी, तमाम दल के सारे नेता एक एक करके जो है हम लोग के आमरण अनशन में आने का काम किया। कौन व्यक्ति, और तेजस्वी जी तो युवा हैं, वो जानते हैं युवाओं का दर्द क्या है। आज ग्रुप डी की बहाली के लिए वैकेंसी निकलती है बिहार में, आपको भी पता है, और उसमें लाखों बच्चे, ग्रुप डी की बहाली की जो प्रक्रिया होती है उसमें चपरासी और माली की बहाली के लिए होती है, और उसमें MBA किए हुए बच्चे, MCA किए हुए बच्चे, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे जो है सो वहाँ आवेदन करने का काम करते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को माननीय नीतीश जी ने किस लेवल तक पहुँचा दिया है। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से नीतीश जी, कोई भी जमीन आपकी अपनी निजी जमीन नहीं है, वो बिहार की जनता की जमीन है, और जब बिहार के बच्चे चाहते हैं स्कूल खुले तो आपको जमीन देना पड़ेगा। आपकी बपौती नहीं है कि आप उस जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, बिहार के बच्चे चाहते हैं स्कूल खुले, केंद्रीय विद्यालय खुले, इसीलिए आपको जमीन तो देनी ही पड़ेगी। नवादा में भी स्कूल खुलेगा, औरंगाबाद में भी खुलेगा, और जिन जिलों में नहीं केंद्रीय विद्यालय है उन जिलों में भी हम लोग केंद्रीय विद्यालय खुलने का काम करेंगे। तो क्या अगले साल मान लिया जाए कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगी रालोसपा महागठबंधन के बैनर तले ही रहेगी? देखिए, हम लोग जिस गठबंधन में रहते हैं गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। हम लोगों के लिए सत्ता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सत्ता के लिए अगर हम लोग ललायित रहते तो पहला व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे जो केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। केंद्र में जब मंत्री थे तो औरंगाबाद के देवकुंड में उन्होंने अनशन करने का काम किया था जमीन के लिए, सरकार से जमीन मांगने के लिए। जब सरकार ने जमीन नहीं दिया, केंद्र में मंत्री रहते हुए जब जमीन नहीं दिया, तब वो महंत से जैसे जमीन दान करवाने का काम किया था। तो हम लोग सत्ता के लिए जैसे राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बने। शिक्षा से सारी संभावनाएं जुड़ी हुई है, अगर मेरे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सारी संभावनाएं उनके लिए खुली रहेगी। सर, मैं अंतिम प्रश्न है सर कि महागठबंधन का सबसे बड़ी पार्टी कौन है अभी? महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी RJD है निश्चित रूप से, और महागठबंधन का जो स्वरूप है, हम लोग का कुनबा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और ये कुनबा और भी बढ़ेगा। देख लीजिएगा, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 2020 जो आने वाला है, जो नीतीश जी की अहंकार है, उस अहंकार को बिहार की जनता तोड़ेगी। यही बिहार की जनता युवा ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया था। हम ही बिहार के जनता, हम ही सब लोग युवा, आपके जैसे लोग, हम जैसे लोग इनको जैसे गद्दी से उतार के सड़क पर भी लाने का काम हम ही लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है शिक्षा विरोधी सरकार है। नीतीश जी को भी हटाएंगे और बिना फीस के वकील जो सुशील मोदी बैठे हुए हैं उनको भी गद्दी से हटाने का काम करेंगे, जो बिना काम के फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, और फाइनेंस का कितना ज्ञान है मुझे भी उनको पता है। कभी अगर पता चले तो हम दोनों को बैठा दीजिएगा, मैं भी अर्थशास्त्री हूं, अगर वो भी अर्थशास्त्र में अगर पढ़े हों तो हम दोनों का आमना सामना करा दीजिएगा और बिहार की जनता डिसाइड कर ले कि कौन अच्छा अर्थशास्त्री है, कौन अच्छा मंत्रालय चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू।